नगर परिषद की बात की जाए, यहाँ बहुत सी खामियाँ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, और एक आरटीआई पिछले दिनों आई थी कि एक डस्टबिन खरीद में किसी तरह की घोटाला हुआ है, उनकी तरफ से एलिगेशन लगाए गए आरटीआई की। मेरा आपसे निवेदन है, आप कोई भी चीज़ जो आपके संज्ञान में है आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा और दोषी किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, दिस इज़ फाइनल। आपने ये भी बात सुनी होगी कि जो भी ऑनरेबल मेंबर कुछ भी बात, आफ्टर ऑल वो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, कुछ लोगों ने तो चुनाव भी लड़ा है, उन लोगों ने अपने हलके की समस्या उठाया है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार भी है, और अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो डायरेक्ट उनकी आवाज़ सुनकर उस पर त्वरित रूप से कार्य करें, तो मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूँ कि हम सब परिवार के लोग हैं, आप भी हमारे परिवार के लोग हैं, और आप भी अगर विजिलेंट नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। अब आज की जो पूरी कमेटी की जो भी अच्छी बुरी बातें, वो सब आपको पब्लिक को दिखानी चाहिए, बताना चाहिए, ये आपका राइट भी है और आपका हक भी है और आपका दायित्व भी है, ये तो हम सभी मिलकर अपने देश को, समाज को और हमारी जनता कोई भूखी ना रहे, कोई तंग ना पाए, ये दूर करने का हमारा प्रयास है और हम सब आपस में मिलकर उसको दूर करें। सर, आजकल विधायकों की पेंशन का मुद्दा बड़ा गर्म है, चार बार विधायक रहे निर्मल सिंह जी ने, अपने 3 पेंशन छोड़ दी है, वो करे एक पेंशन, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी विधायक एक पेंशन? ये पॉलिसी की बात है और ये पंजाब वालों ने तो अब किया है, हमारे आदरणीय और यशस्वी मुख्यमंत्री ने तो 2-3 साल पहले इस पेंशन में कट लगाकर उसको कम करने का काम किया है, आपको है इस बात की जानकारी? ये तो पॉलिटिकल मुद्दा था, उसने देखा आओ देखा ना ताओ और झूठी प्रशंसा लेने के लिए, वो मुद्दा हम तो पहले ही कर चुके हैं।